सदर अस्पताल में है। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना हमारे गांडे के दासडी में घटी है। हम इस बात के बहुत दुख और गहरी संवेदना प्रकट करते हैं जितेंद्र गिरी जी के परिवार के प्रति, क्योंकि इस दुर्घटना में वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ थे। एक तेज़ रफ्तार से लापरवाह पूर्वक ड्राइव कर रहे बेलेरो के चालक ने इन लोगों को बुरी तरह से एक्सीडेंट किया है। इतना ज़ोरदार एक्सीडेंट हुआ कि तीनों का मौत घटनास्थल पर ही हो गया है। हम अभी यहाँ पर सदर अस्पताल में हैं, आधा घंटा ज़्यादा समय हो गया मैं यहाँ आया हुआ हूँ, पहले रात से ही लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पर दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर एक भी डॉक्टर या प्रभारी डॉक्टर या डॉक्टर इंचार्ज या ड्यूटी के डॉक्टर अवेलेबल नहीं हैं और यहाँ किसी भी प्रकार की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। उसके इधर मैंने इनको मुआवजा प्रदान करने के लिए गांडे के BDO हरि ओराव जी से भी बात किया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग जितना जल्द हो सकेगा उन्हें मुआवजा प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और जो सरकार का प्रावधान है उसके तहत उन्हें राहत प्रदान की जाएगी और हम लोग भी अपने स्तर से जो भी हो सकेगा राहत प्रदान करेंगे। घर भी जाएंगे, गांव भी जाएंगे और देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। यह दुर्घटना इतनी भयंकर है कि बहुत मतलब चिंता का विषय है, ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। एक्सीडेंट की घटना बढ़ते जा रहा है और घटना स्थल पर तो कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण जो पेशेंट जीवित अवस्था में भी रहता है उस हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी उसका सही समय में इलाज नहीं होने के कारण मृत्यु लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी मुफस्सिल थाना क्षेत्र से देखिए, अभी एक पेशेंट को लाया गया जो जीवित अवस्था में था, लेकिन चूंकि उसको पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ रहने वाला, लेकिन हॉस्पिटल पर अधिकारियों को चाहिए था विलम्ब उसका ट्रीटमेंट कर उसको व्यवस्था की जा, लेकिन किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं रहने के कारण देखिए घंटे भर पहले आने के बाद भी उसका मृत्यु हो गया। अभी जितेंद्र जी जो मैसमुंडा में घटना हुआ, तीन व्यक्ति एक साथ मृत्यु हुआ, ये लगातार घटना हो रहा है, इस पर अंकुश लगाना जिला प्रशासन देखे, रात में जो गाड़ियाँ जो इतनी रफ्तार से चल रहा है उस पर कार्रवाई करे। नहीं तो ये शादी विवाह का समय है, सब दूसरे जैसे आ रहे हैं, और यहाँ पर जैसे बंगाल की गाड़ी आई थी और स्कॉर्पियो ने एक साथ शादी से लौट रहे जितेंद्र नागी जी का परिवार, जितेंद्र जी उनकी पत्नी उनकी बच्ची तीनों एक साथ डेथ हुआ, बड़ा दुखद घटना है। जिला प्रशासन कार्रवाई करते हुए तुरंत उनकी परिवार को मुआवजा और ऐसी घटना ना हो उस पर संज्ञान लेने का काम करें। ऐसे कैसे हुई इसका जरा सिलसिलेवार से बताइए। घटना गांडे से मैसमुंडा आने के दरमियान दासडी गांव के पास हुई और ये बाइक जो है सो अपने बाएं साइड से आ रही थी और स्कॉर्पियो जी थी वो बिल्कुल बाएं साइड ही घुस करके बाइक को मारा है, जिसके चलते जो है सो मेरे भाई का और भाभी है और भतीजी का जो है सो मौत हुआ है। हाँ, बिल्कुल ड्राइवर की लापरवाही के चलते, इसलिए प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि वो हमको मुआवजा दिलवाने का कष्ट करें और नहीं तो हम बाध्य होकर के जो सो आंदोलन करने के लिए उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तो अभी तक किसी पदाधिकारी ने इसका संज्ञान लिया है क्या इस मामले का? नहीं, यहाँ से उठा करके दासडी से डेड बॉडी को गांडे स्वास्थ्य उपकेंद्र ले गए, स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और वहाँ ले जाने के बाद तुरंत उसको रेफर कर दिया गया गिरिडीह के लिए। गिरिडीह आने के बाद यहाँ डॉक्टर चेक करने के बाद साइन वगैरह करवाने के बाद टाइम दिए कि 10 बजे तक जो है सो डॉक्टर आएंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। अभी तक से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ है, भाई लोग का जान गया है और दो छोटे बच्चे भी और इनके हैं, उनके परवरिश के लिए कुछ डिमांड है हमारे, वो डिमांड को पूरा किया जाए और उस गाड़ी को जी। नमस्कार, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे BNB के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो।